नमस्कार, मिड डे में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। समाजवादी चिंतक और महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर पटना के लोहिया उद्यान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के राज्यपाल सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम के अलावे कई सियासत दिग्गज नेता शामिल हुए। लोहिया की प्रतिमा पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ने माल्यार्पण किया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि राम मनोहर लोहिया महान समाजवादी रहे हैं। उन्होंने सड़क से लेकर सदन तक लोगों की आवाज उठाई है। समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने हमेशा आवाज उठाया था। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि और आज उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि नमन दी गई है। पटना के लोहिया उद्यान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के राज्यपाल सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम के अलावे कई सियासी दिग्गज नेता शामिल हुए। लोहिया की प्रतिमा पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ने माल्यार्पण किया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि राम मनोहर लोहिया महान समाजवादी नेता रहे हैं। उन्होंने सड़क से लेकर सदन तक लोगों की आवाज उठाई। समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने हमेशा आवाज उठाई थी। महान समाजवादी नेता है और उन्होंने सड़क से संसद तक आम लोगों की बात की और हिंदुस्तान की जो आबादी, जो सबसे कमज़ोर तबका है, उसके लिए हमेशा वो आवाज़ उठाते रहे। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित।